में जैसे दुर्गा पूजा मनाई जाती है, अगर आप माता जी की तरफ कैसे है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि का आज नौवां दिन है। तो मैं और दीपू ऐसी जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जो कि कोलकाता वाली वाइब आपको देने वाली है। तो इस सब में कुछ मुंबईकर्स ऐसे होते हैं या फिर हम लोग, या मैं स्पेशली बताऊँ तो अभी हमारा कोलकाता जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको मुंबई बैठे बैठे कोलकाता में जैसे दुर्गा पूजा मनाई जाती है, अगर आपको वैसा देखने को कुछ मिल जाए तो क्या बोलते हो, क्या बोलते हो दीपू? बहुत अच्छा लगेगा था ना। तो इसी के लिए आज हम लोग जा रहे हैं दादर, जो कि शिवाजी पार्क है दादर में, वहाँ पे। तो उसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी चलते हैं हम, अभी रास्ते में वहाँ पहुँच कर फिर आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा मैं लोकेशन बता दूँ तो ये जो पंडाल है शिवाजी पार्क का, यहाँ आने के लिए आप अगर बाई ट्रेन से आ रहे हैं तो दादर स्टेशन आपको सबसे नज़दीक पड़ेगा, और दादर स्टेशन से आपको वेस्ट आकर के 10 to 15 minutes वॉकिंग या बाय टैक्सी के थ्रू भी आप यहां पे आ सकते हो। लेकिन जो ये वीडियो मैंने बनाया था वो नेक्स्ट डे चैनल पे आएगा, तो ये 10वां दिन रहेगा। और देवी माता जो यहां की विराजमान रहती है सिर्फ 5 दिन से लेकर के 10वें दिन तक ही रहती हैं, तो आप नेक्स्ट ईयर यहाँ पर आ सकते हैं। एंट्री करने के बाद हम पंडाल के बाहर पहुँचे तो देखा मैंने रेड कलर का पंडाल, 2 ऐसे हाथी वेलकम करने के लिए थे, और हैशटैग में लिखा था आई लव बंगाल क्लब। इतना सुंदर लग रहा था। अभी तो लाइट्स नहीं ऑन थी, ये इसमें बड़ा प्यारा दिखेगा। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स थे जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इनको ऑनर दिया गया है द बंगाल क्लब को, क्योंकि इनका ये 88वां साल है जो दुर्गा पूजा सेलिब्रेट हो रही है यहाँ पर। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको, तो जो शिवाजी पार्क में ये जो बंगाल क्लब के द्वारा यहाँ पे जो दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है वो 1982 से किया जा रहा है, और ये 2.5 एकड़ में फैला पंडाल है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे खाने के, फैशन्स के, और यहाँ पे बहुत सारी कलाकृतियाँ भी की जाती हैं। सुबह की जो पूजा होती है वो एकदम बंगाली रीति रिवाजों से की जाती है, और करीबन हर साल 2 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं देवी माता का दर्शन के लिए। 100 साल से भी पुराना द बंगाल क्लब शिवाजी पार्क में इस साल 28वां दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहा है, और जो पंडाल बना है जिसे शीश महल का नाम दिया गया है वो करीबन 30 फीट का लंबा है, और जो देवी माता का आइडल है वो करीबन 19 फीट के आसपास है। पंडाल से बाहर निकल के हम जा रहे हैं एग्जीबिशन देखने, और जितना साइड साइड में आप पोस्टर देख रहे हो जिस कंपनियों ने स्पॉन्सर किया है उनकी डिटेल्स है, और एक साइड फ़ोटोज़ है जितने साल से यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसके। यहाँ पे ना फूड कैंटीन भी था, यहाँ पे आपको नॉनवेज और वेजिटेरियन खाना भी यहाँ पे मिल रहा था, और प्लस बहुत सारे ऐसे स्नैक्स भी थे। लेकिन अगर प्राइस की बात करूँ ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगा था, बट मैंने यहाँ पे बहुत ही दिल में पत्थर रख कर के पुचका खाने का सोचा। 100 रुपये के 10 पुचका मिला था गोलगप्पे, और लेकिन अगर टेस्ट की बात करूँ तो मुझे तो रिग्रेट ही नहीं हो रहा था कि मैंने 100 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए। एकदम कोलकाता स्टाइल के तरह इन्होंने खिलाया था। अब हम आ गए थोड़े से कपड़ों के साइड, थोड़ा इनसे बात करते हैं। कुछ बता देंगे कितने के प्राइस का है? 3500 का है। ये कब तक रहने वाला, मतलब कल लास्ट है? कल लास्ट है। उसके बाद अगर आना चाहिए रहेगा तो हम
कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कल कितने बजे तक लास्ट रहेगा? छः बजे तक। ओके। दर्शन किए, आपने देवी माता का दर्शन किया, यहाँ पे एग्जीबिशन भी है, यहाँ पे फूड स्टॉल भी है, बट यहाँ की जो देवी है ना वो पांचवें दिन से लेकर के आखिरी दिन तक रहती है, तो कल यहाँ का आखिरी दिन है। तो अगर आप वापस से अगर नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे ना तो आप यहाँ पे दादर में शिवाजी पार्क में आप ज़रूर विजिट करना। दादर स्टेशन से जस्ट 5 to 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं देवी माता का दर्शन कर। फुल बंगाली स्टाइल में देवी माता को यहाँ पर विराजमान किया जाता है, और यहाँ पे हर एक पूरा ऐसे यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं ना सब कोलकाता वाले, तो बहुत कोलकाता वाली वाइब्स आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं सच्ची में कोलकाता ही पहुँच गई हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने पुचका खाया था 100 रुपये में 10, टेस्ट ऐसा आ रहा था कि पूछो मत, मतलब बहुत दिन के बाद मैंने ऐसा, मतलब बहुत दिन के बहुत ज़माना ही हो गया था कि मुंबई में वो भी इतना टेस्टी पानी पूरी मिलता हो, सॉरी पुचका बोलूँ, क्योंकि कोलकाता में मोस्टली लोग पुचका ही देते। और लास्ट वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री दिया था ना सब, मतलब नमकीन वमकीन नींबू निचोड़ के, दैट वॉज वेरी ऑसम। पंडाल से बाहर जैसे हमने आए ना तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज मिल रहे थे, ईयर रिंग्स, उसके बाद चोकर, उसके बाद ब्रेसलेट वगैरह, जो कि थोड़े कॉस्टली लग रहे थे। अगर मैंने फिर भी एक ईयर रिंग्स खरीद ही लिया था, तो अभी मुझे ऐसा लगा कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो शिवाजी पार्क में गणेश जी का बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ पर चलते हैं। हम अभी SP में आए थे तो ये दादर वाला डेक दिखाने के लिए मैं आई थी दीपू को, इसका व्लॉग भी चैनल पे मैंने डाला है तो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो उसको देख लेना। तो यहाँ का देवी का दर्शन हो गया, पुचका विचका खा के हो गया, मम्मी कॉल पे कॉल करे जा रही है, मतलब इतना ज़्यादा हेक्टिक लाइफ हो गया है ना कि इतने सारे वीडियोज़ हैं, मैं कोई भी उसको एडिट करके अपलोड नहीं कर रही हूँ, पर मैं पूरी ट्राई करूँगी कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छे अच्छे कॉन्टेंट अपलोड करूँ चैनल पर। तो बस अब हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे ऑन द वे टू घर। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय।